नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ जिसे आप बच्चों के स्वेटर में या किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में डालेंगे। आप इसे जेंट स्वेटर में भी, हाफ स्वेटर में डालें, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिज़ाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन मैं इसके ऊपर ही बना रही हूँ, यानी जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया था मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। तो आप इसे पहली लाइन समझें। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, यानी बॉर्डर बनाने के बाद हम इस तरह बुनना शुरू करेंगे। तो बॉर्डर बनाने के बाद हम अपने मेन कलर से ही सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। पहली लाइन में हमें सभी फंदों को सीधा बुन लेना है। तो मैं लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली लाइन में मैंने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है ये। तो पहली लाइन में मैंने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब उनको दूसरी ओर करेंगे और सभी फंदों को सीधा ही बुनेंगे। फ्रंट साइड से भी हमने सभी फंदों को सीधा बुना और रॉन्ग साइड से भी हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब ये हमारा लास्ट फंदा है और एज स्टिच, तो इसे हम उनको अपनी ओर करेंगे और इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम फिर सामने की तरफ आ जाते हैं और ये हमारे डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो तीसरे लाइन में हम अपना दूसरा कलर अटैच कर लेंगे और दूसरे कलर के ऊन से पहले हम 2 फंदों को स्लिप कर लेंगे, फिर दूसरे कलर का जो ऊन है उसको हम अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदों को उल्टा बुनेंगे। 2, 3, 4। तो हमने 4 फंदों को उल्टा बुन लिया। अब ये 6 फंदे हैं और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। उनको हम दूसरी तरफ करेंगे, 2 फंदों को स्लिप करेंगे, अब फिर उनको अपनी ओर करेंगे और 4 फंदा उल्टा। 1, 2, 3, 4। उनको दूसरी ओर करेंगे, 2 फंदा स्लिप करेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे और 4 फंदा उल्टा। 1, 2, 3, 4। उनको दूसरी ओर 2 फंदा स्लिप करेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे और 4 फंदा उल्टा बनेंगे। दूसरी ओर लास्ट में 2 फंदे बचे हैं तो इन्हें हम स्लिप कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारे डिज़ाइन का चौथा लाइन है। तो अब हम इन 2 फंदों को, स्लिप किए हुए फंदे को वापस स्लिप कर लेंगे और 4 फंदे जिसे हमने उल्टा बुना था उसे वापस उल्टा बुन लेंगे। तो इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। 2 फंदा स्लिप कर लेना है और 4 फंदा उल्टा। 2 फंदा स्लिप कर लेना है और 4 फंदा उल्टा। दो फंदा स्लिप करना है, 4 फंदा उल्टा बुनना है। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे जिन्हें हम स्लिप कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिज़ाइन का
पांचवा लाइन है। तो पांचवे लाइन में हम फिर अपने पहले कलर के ऊन से सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। तो हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारे डिजाइन का छठा लाइन है। तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे और सभी फंदों को हम सीधा ही बुन लेंगे। तो हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। ये फंदे, ये हमारा लास्ट फंदा है, एज स्टिच है, तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिजाइन का सातवां लाइन है। तो अपने दूसरे कलर के ऊन से हम तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन, फिर दो फंदा हम स्लिप करेंगे। अब देखिए ये दो फंदा जो है ये इन चार फंदों के बीच का फंदा है, यानी दूसरा और तीसरा फंदा है। और अब हम इसे हम स्लिप करने से पहले ऊन को दूसरी तरफ कर लेंगे, दो फंदा स्लिप करेंगे। देखिए ये दो फंदा इन चार फंदों में से बीच का फंदा है, यानी दूसरा और तीसरा फंदा है। अब फिर ऊन को अपनी ओर करेंगे और चार फंदा उल्टा बुनेंगे, एक, अब देखिए ये दो और तीन, ये हमारा स्लिप किया हुआ फंदा है, दो तीन चार, ऊन दूसरी ओर, दो फंदा स्लिप करेंगे। देखिए दो फंदा जो है वो इन चार फंदों के बीच का फंदा है, दूसरा और तीसरा फंदा है। तो दो फंदों को स्लिप कर लिया, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, चार फंदा उल्टा बुनेंगे, चार फंदा उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर, दो फंदा स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर, चार फंदा उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर, दो फंदा स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर, चार फंदा उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर, दो फंदा स्लिप करेंगे। अब लास्ट में तीन फंदा बचा है, तो उन अपनी ओर करेंगे और इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारे डिज़ाइन का आठवां लाइन है। तो हम बुने हुए फंदे उल्टा बुन लेंगे, तो तीन फंदा उल्टा बुना हमने और दो फंदा स्लिप किया हुआ है, इसे वापस स्लिप कर लेंगे, फिर चार फंदा उल्टा, और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। तो बुना हुआ फंदा उल्टा बुनना है और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करना है। जब हम अपने प्राइमरी कलर से बुनेंगे, यानी पहले रंग के ऊन से बुनेंगे, तो दोनों साइड में हमें सीधा सीधा बुनना है, फ्रंट से भी सीधा और बैक साइड से भी सीधा बुनना है। और जब हम अपने दूसरे कलर से बुनाई करेंगे तो हमें फ्रंट से भी उल्टा बुनते हुए डिज़ाइन बनाना है और रॉन्ग साइड से भी उल्टा ही बुनना है। दूसरे कलर के ऊन से हम दोनों साइड से उल्टा बुनेंगे और पहले कलर के ऊन से दोनों साइड से सीधा बुनेंगे। अब देखिए हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। अब इन्हीं चार लाइनों को ऊपर ऊपर हम दोहराते जाएंगे तो ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत है, सामने से ये ऐसा है और रॉन्ग साइड से ऐसा, देखिए रॉन्ग साइड से भी कितना खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।